हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखें। आज मैं आप सभी के साथ लेकर के आई हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी कुर्ती, सूट, प्लाजो सेट और जींस और क्लचेस। सभी को पता है कि अमेज़ॉन फेस्टिवल सीज़न चलता है तो हमेशा ही ऑफर्स आते रहते हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, मेरा रूम जो है ना वो सीधा रोड पर ही है तो इस वजह से थोड़ी सी वॉइस आ सकती है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले जो है ना ये दिखाती हूँ जो मैंने पहना हुआ है। इसका कलर जो है ना बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा कलर है और ये सिर्फ कुर्ती है और उसके साथ ये दुपट्टा मिला हुआ है। मैं आप सभी को दिखाती हूँ। राउंड नेक है और इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है सिंपल में। फ्रॉक कुर्ती टाइप है ये और उसकी लेंथ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जो स्लीव है ना वो पूरी फुल स्लीव है और यहाँ पर ऐसे जो मुड़ जाता है चूड़ी टाइप्स बनता है, चूड़ीदार टाइप्स, वैसे ही इसका जो स्लीव है ये यहाँ पे मुड़ा हुआ सा रहेगा जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। मुझे इस तरह का फुल स्लीव वाला ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। गर्मियों के लिए भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, हल्की ठंडियाँ हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पे इस तरीके से ना वो दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, इसको टिप टॉप बोलते हैं, तो ये दिया हुआ है। और इसके साथ जो दुपट्टा है, ये दुपट्टा देख सकते हैं, पूरे दुपट्टे पे इस तरीके से प्रिंट बनी हुई है गोल्डन कलर से। दुपट्टे की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ये साइड दुपट्टा है तो आप इसको यहाँ इस तरीके से लगा सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस सूट की साइज़ जो है ना, ये मेरा साइज़ जो है वो है एस, और अगर आपको एस लगता है तो एस ठीक है, नहीं तो फिर एम, और ये परफेक्ट साइज़ आता है। और इसका प्राइस जो है ना वो भी बहुत जेन्युइन है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप सभी देख लीजिएगा। और इसका लुक भी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। एंड सेकेंड कुर्ती जो है, कुर्ती के साथ पैंट दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे ये भी अच्छा लगा, बहुत पसंद आया था। ये प्योर कॉटन है और देखिए कलर इसका बहुत ही प्यारा मुझे लगा, कुछ ब्राउनिश टाइप सा है। और ये भी फुल स्लीव आएगी और इस तरीके से स्लीव पे भी देखिए डिज़ाइन बनी हुई है, पूरे सूट पर इसी तरीके की डिज़ाइन बनी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो सूट है ना पूरा फुल लेंथ है लेकिन यहाँ पे भी सामने से स्टिच दिया गया है तो फिर इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और फुल लेंथ ये सूट जो है पूरा फुल लेंथ का है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट में इस तरीके की डिज़ाइन बनी हुई है, नीचे भी देख सकते हैं आप। और इस पे जो है ना वो पैंट दिया हुआ, पैंट भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप सभी। इसका भी जो साइज़ है ना वो एस है और लेंथ वगैरह पैंट का भी लेंथ वेंथ सब कुछ बहुत अच्छा है। और नीचे इस तरीके से डिज़ाइन दिया हुआ है पैंट पर और यहाँ से कट दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहनने पे। इसका प्राइस मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देती हूँ और इसका मैं लुक भी आप सभी को दिखा देती हूँ कि पहनने के बाद ये कैसा लगेगा। थर्ड जो है ना वो मैंने मंगवाया हुआ है ये जींस और ये हाई वेस्ट है ये, और नीचे इस तरीके से पैडलर टाइप सा जैसे पहले चला हुआ था ना कि पैडलर टाइप सा ये नीचे रहता था, उसी तरीके का है ये। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है इसका, बहुत सॉफ्ट, और मुझे इसी तरीके का जींस जो है वो पसंद आता है। नीम ब्लू कलर का मंगवाया हुआ है और काफ़ी अच्छी फिटिंग है। देखिए वैसे तो मुझे 30 भी लगता है और 28 भी लगता है और 32 भी लगता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि साइज़ का इशू हो जाता है। ये देखिए ये 28 का ही है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मुझे थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है लेकिन ठीक है। उसकी लेंथ वेंथ ना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है सब कुछ, और इतना कम्फर्टेबल कपड़ा है। मैं ब्लैक भी ढूंढ रही थी, अगर मुझे ब्लैक मिल गया तो मैं ब्लैक भी लूँगी इसमें का, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं इस तरीके का पैंट मंगवाऊँ। बहुत टाइम हो गया मैंने कोई जींस का पैंट वगैरह नहीं मंगवाया हुआ है तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है,
हालांकि मैं पहले पहन चुकी हूँ, उसमें ऐसा नहीं है, जब पहले स्टार्टिंग में चला था ना 8-10 साल पहले, तो मैं पहन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा, जो भी पहले के फ़ैशन थे, फ्रॉक सूट वगैरह, ये सब तो पहले के ही थे, तो अब आ चुके हैं फैशन में, तो मैंने इसी वजह से मंगवाया। नेक्स्ट मैं इसमें का ब्लैक मंगवाऊँगी। इसका भी लुक मैं दिखा देती हूँ आप सभी को कि ये पहनने के बाद किस तरीके से लगेगा। फोर्थ जो है ना, वो मैंने मंगवाया हुआ है अगेन एक फ्रॉक सूट, जो कि आप देख सकते हैं लाइट स्काई ब्लू कलर का है ये, और इसके कपड़ा भी इसका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है। इसके नेक पे इस तरीके से गोल्डन कलर का डिज़ाइन बना, गोल्डन नहीं सॉरी सिल्वर कलर का डिज़ाइन बना हुआ है, और यहाँ से भी, यहाँ पे भी डिज़ाइन बनी हुई है आप देख सकते हैं, और यहाँ से बीच से सिला गया है, और ये पूरा ये भी फुल लेंथ का है, और नीचे भी इस तरीके से दिया गया है लेस, इसमें देख सकते हैं आप सभी, और छोटी छोटी गोल्डन कलर की इस पर प्रिंट दी हुई है, और इसका स्लीव जो है ना, वो स्लीव यहाँ तक आएगी, देख सकते हैं आप सभी, और इसमें जो है ना ये पैंट मिला हुआ है, पैंट में पॉकेट भी है, पॉकेट वाला मुझे सही लगता है, कम्फर्टेबल लगता है, इस वैसे एक ही साइड से पॉकेट दिया हुआ है ये, देख सकते हैं आप सभी, और इसकी भी लेंथ जो है ना एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, और ये है प्लाजो, प्लाजो पैंट है ये, और नीचे भी इसी तरीके से डिज़ाइन दी हुई है, इस पर भी इस तरीके से बूटी दिया हुआ है छोटा छोटा, और इसका भी कपड़ा जो है काफ़ी सॉफ्ट है, कॉटन में है, और इसके साथ मिला है ये दुपट्टा, मैंने इस बार दुपट्टे वाला मंगवाया है, दो दो दुपट्टा पूरा प्लेन है, और इसमें इस तरीके से इस पर भी डिज़ाइन दी हुई है, जो सूट पर दिया हुआ है और जो सलवार पर दिया हुआ है, जो है मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी, और आप सभी को मैं इसका लुक दिखा देती हूँ। माशो आ जाओ, मुझे शूट करना है, कब से बुला रही हूँ उसको, प्लीज़ आ जाओ माशो, थोड़ा सा कर दो, मैं खुद ट्राइपॉड लगा के कर रही हूँ लेकिन सही से हो नहीं पा रहा है। आ जाओ मेरे बच्चा, बस एक बार आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, पता है ना अभी कोई आ जाएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा, आ जाओ आ जाओ, अभी वो लाइट बनाने आएंगे, देखिए अभी को आ रहा है, बुला रही हूँ, कब से बुला रही हूँ, बुलाते बुलाते अभी को आया है, ज़्यादा नहीं करना है, मैंने फ्रंट कर लिया, तुम बस बैक कर दो, ठीक है। लास्ट जो मैंने मंगवाया हुआ है वो है ये क्लच, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, मेरा बहुत मन था कि मैं इसको मंगवाऊँ, और फाइनली मैंने मंगवा भी लिया, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से है ये गोल्डन कलर में, और यहाँ पे पूरे वो लगे हुए हैं, एडी नग जो होते हैं वो लगे हुए हैं, और इसको इस तरीके से, इस तरीके से इसको बस थोड़ा सा वो करेंगे, ओपन हो जाएगा, और इसमें देख सकते हैं स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है, इसमें आपका मोबाइल और कुछ कैश वगैरह आ सकते हैं, और थोड़ा बहुत अगर टचअप के लिए कॉम्पैक्ट और लिपस्टिक वगैरह रखना चाहते, बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो प्रोडक्ट्स, तो वो भी आ जाएंगे ईजिली, और इसमें इस तरीके का वो दिया हुआ है, और इसका ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसके पहले एक बार मंगवाया था, हालांकि अमेज़ॉन से नहीं मंगवाया था, तो उसका मुझे ये बड़ा बेकार मिल गया था, निकल जाता है अक्सर, लेकिन ये जो है ना ये निकलेगा नहीं, तो आप चाहे तो इसको साइड से भी लगा सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ हाथ में ही ले सकते हैं, मैं जैसा कंफर्टेबल होता है मैं वैसा करती हूँ, कभी साइड से ले लेती हूँ, कभी हाथ में ले लेती हूँ, और चलिए मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है ना और प्राइस जो है मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, और दे...
अमेज़ॉन पे अमेज़ॉन प्राइम सेल चलता रहता है, तो आप चेकआउट ज़रूर करें। और इन सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी को जो भी प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इस टाइम जो स्टॉक है, मैं बहुत टाइम से अमेज़ॉन से शॉपिंग करती हूँ, लेकिन इस टाइम जो स्टॉक आए हैं ना वो काफ़ी अच्छे अच्छे आए हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जो ड्रेसेस भी मंगवाती हूँ थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि यूनिक हो, डिफरेंट हो। होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना है, लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।